आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन के नाम पर मनमानी। मनमानी किस चीज की? फीस वसूली की। फीस वसूली करने वालों पर गहलोत सरकार का बड़ा अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है गहलोत सरकार। गहलोत सरकार जल्द ही द राजस्थान प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट फिक्सेशन ऑफ फी बिल ला रही है और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बिल का ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया और आपत्तियां मांगी हैं। और अब तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति सामने नहीं आई है। माना गया है किसी विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार ये बिल पेश कर सकती है। ड्राफ्ट के मुताबिक अब प्रदेश में मौजूद सभी निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े निजी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और अन्य कोर्सेज की जो फीस है उसका निर्धारण हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया है और वो अभी हमने पब्लिक डोमेन में भी डाला था लोगों की आपत्तियां या रिएक्शन लेने के लिए। तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन है अथवा RUHS से अफिलेटेड हैं, सभी की फीस डिटरमिनेशन का एक कॉमन मैकेनिज्म हो। और उसमें हमने एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रावधान रखा है। वो कमेटी जो है वो सभी मेडिकल कोर्सेज की फीस को डिटरमिन करेगी। तो आशुतोष हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी गहलोत सरकार की इस नई पहल के बारे में, क्योंकि विधानसभा सत्र में बिल लाने की तैयारी है? देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी राहत देगा उन तमाम परिवारों के लिए जिनके बच्चे पढ़ने में होनहार हैं और जो शिक्षा क्षेत्र के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और एक बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जो निजी यूनिवर्सिटीज हैं जो कोर्सेज कराती हैं इस तरीके के, वो उनसे एफिलेटेड जो अन्य कॉलेज होते हैं उनकी फीस का स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है। लगातार ये देखा जा रहा था कि एक मोटी जो धनराशि है वो अलग अलग फीस स्ट्रक्चर के तौर पे ले ली जाती थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद में सभी मेडिकल कॉलेजेस जो होंगे उनका फीस निर्धारण का एक कॉमन मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन ये मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है तो हर उस तबके का ध्यान रखा जा रहा है। बकायदा इसके लिए फीडबैक भी लिए गए और अभी तक किसी तरह की कोई खास आपत्ति इसमें देखी नहीं गई है। तो ये मान के चला जाए कि गहलोत सरकार जल्द ही राजस्थान के अंदर प्राइवेट मेडिकल कोई आपत्ति नहीं, यानी कि कोई रुकावट नहीं है, कोई अड़िंगा नहीं है फिलहाल। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।